तो अच्छी बात ये रहेगी कि अगर आप कोई भी ट्रेड करने जा रहे हैं और ऑप्शन में करने जा रहे हैं, तो पहली बात तो उसको होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर आप होल्ड भी कर रहे हैं तो एक्सपायरी से एक दिन पहले भाई साहब अपना बायर ढूंढ के उसको बेच के उससे खाली हो जाइए। इस उम्मीद में मत बैठे रहिए कि कल ये ऊपर आएगा, हिंद मनी में आएगा तो फिर मुझे पैसा मिल जाएगा, या चलो जाने दो जीरो हो जाता है तो हो जाने दो, भाड़ में जाने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आप सोचते हैं अपने मन में, ये हर एक बायर की टेंडेंसी होती है। क्या करता है कि वो किसी भी प्रीमियम को बाय कर लेता है, बाय करने के बाद उसकी उम्मीद में बैठा रहता है कि अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा। तो 10 रुपीज का प्रीमियम पहले 5 होता है, तो कहता है अच्छा 5 रुपीज का लॉस हो रहा है, चलो ठीक है, एक बार अगर इस बार 10 भी आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। दोबारा वो प्रीमियम ऊपर आता है 9 पे, तो कहता है अच्छा सिर्फ 1 रुपया और बचा है, 10 आ जाए तो निकल जाऊंगा। फिर वो चला जाता है इस बार नीचे 2 रुपए पे, तो कहता है यार अब जाने दो, 2 रुपया हो ही गया तो इसको छोड़ो, जाने दो, खुद ब खुद ये 0 हो जाएगा, और छोड़ देते। पहले छोड़ देते थे तो आपका कोई नुकसान नहीं होता था, जितना प्रीमियम गया उतना ही जाता था, लेकिन अब हो जाने वाला है आपको बहुत बड़ा नुकसान। तो इसलिए आगे से ऐसे कांड करना बंद कर दीजिए।